संयुक्त किसान मोर्चा MSP पर गारंटी कानून और अन्य मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के समर्थन में आ गए हैं। बॉर्डर पर किसानों की मौत के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने काला दिवस मना रहे हैं। बता दें कि पटियाला में किसान नेता सरवन सिंह पंडे का कहना है कि जो लोग किसान की मौत के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। पर्चा दर्ज नहीं करेंगे दोषियों के खिलाफ, जैसे केंद्र ने, पुलिस ने, अर्धसैनिक फोर्सों ने जैसे हमारे युवा को शहीद किया है, उसका जब तक इंसाफ नहीं लगे तब तक संस्कार नहीं करेंगे। कल आपको दिल्ली पहुंच करना था, दो दिन का जो स्टे था वो खत्म हो रहा है, आज शाम को मीटिंग करने के बाद इसका निर्णय लेंगे। सरकार, पंजाब सरकार ने कई बातें मान ली, करोड़ रुपए की मुआवजा, शहीद का दर्जा, ये सब, बस एक फिर बात कहाँ अटक रही है? देखिये सीधी सी बात हम बोल रहे हैं, 302 का पर्चा होना चाहिए। परिवार ने भी कहा जिन्होंने हमारे जुआ को गोली मारी है, ट्रैक्टर तोड़े, हमारी सरहदों में आके घुसकर मारपीट की है। किसके खिलाफ पर्चा होना है, कौन है वो? जो भी दोषी है ये सरकार को मालूम, हमने जो लिख कर देना था दे दिया उनको, सारी शिकायत पंजाब सरकार को या केंद्र को? देखो जो पंजाब सरकार के यहाँ अधिकारी थे उनको लिख के देना था। ठीक है, फैसला हुआ है शहीद परिवार की मर्जी से कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी जी तब तक संस्कार का निर्णय नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसके खिलाफ FIR किसके खिलाफ चाहते हैं? देखिए जी, जो केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के पुलिस और अर्ध सैनिकों ने जो हमारे युवाओं को गोली मारी है उनके विरोध में कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये बताइए सर, आपने कोई रिटर्न में कंप्लेंट दी है? हमने सब कुछ उनको दे दिया है। आप कह रहे पंजाब सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रही है? हाँ, तो यही बस सही है। क्या क्या 156(3) में कोर्ट जाएंगे फिर FIR के लिए? देखिए ये आगे क्या करेंगे नहीं तो निर्णय लेंगे, लेकिन अभी ये है भी अब जब तक पर्चा दर्ज नहीं होगा तब तक संस्कार नहीं। दिल्ली कुछ पे क्या फैसला है? देखिए आज शाम को इसका निर्णय होगा। शाम को निर्णय होगा। कोई बुलावा आया केंद्र सरकार से अभी तक? नहीं, कोई नहीं।